और इधर उत्तराखंड के नए सीएम को लेकर पिछले पांच दिनों से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। आज पता चल जाएगा कि उत्तराखंड का नौवां सीएम कौन बनेगा। वैसे सूत्र ये बताते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम हो सकते हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने अपने फैसले के बारे में उन्हें बता दिया है, ये माना जा रहा है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी है। देहरादून में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 3 बजे होने वाली बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी के सभी 57 विधायक देहरादून पहुंच चुके हैं। प्रदेश बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू, उत्तराखंड के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर और सरोज पांडे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में जिस तरह से भाजपा में मुख्यमंत्री के पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनको एक तरफ अनौपचारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, सर सबसे पहले तो आपको बधाई हो और प्रदेशवासियों से क्या कहेंगे, कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य से काम लें। जब तक फैसला नहीं हो जाता है विधानमंडल दल के नेता का, तब तक उनको संयम से काम लेना चाहिए। ज़्यादा उत्साह में, ज़्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। आखिर ये अधिकार विधानमंडल दल को है, विधानमंडल दल अपने नेता का चुनाव करेगा, उसकी उनको प्रतीक्षा करना चाहिए। सर आप दिल्ली भी गए थे, कुछ वहाँ भी वार्ता हुई हो, दिल्ली में क्या आपको लगा? नहीं, दिल्ली में तो मेरी शिष्टाचार भेंट थी। माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देने गया था कि आप लोग जो है इतनी अप्रत्याशित जीत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मिली है। मणिपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं उसको देश के लिए एक सौभाग्य मानता हूँ। मणिपुर जैसे राज्य में जहाँ पर तमाम तरह की कई तरह की दिक्कतें रहती हैं, वहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो मैं, हम लोगों ने क्योंकि साथ साथ काम किया है, उत्तर प्रदेश में हम साथ साथ रहे, झारखंड में उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं उनको बधाई देने गया था। सर आखिर में अगर आपको जिम्मेदारी मिलती क्या प्राथमिकता होगी, प्रदेशवासियों को क्या कहेंगे? ऐसा ये प्राथमिकता है, जब जिम्मेदारी मिल जाएगी तो तब उसके बारे में विचार कर लेंगे, अभी पहले जिम्मेदारी तक का इंतजार करिए। इस तरह से पूरा ये साफ हो चुका है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अगर जिम्मेदारी मिलती है तो बाखूबी वो निभाएंगे। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं राम अनुज, इंडिया 24/7 देहरादून। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रियाएं भी बहुत कुछ कहती हैं। उत्तराखंड में सीएम पद के लिए त्रिवेंद्र रावत का नाम लगभग अब तय माना जा रहा है। उत्तराखंड में कल नई सरकार बन जाएगी। कल दोपहर 3 बजे देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस समारोह में शामिल होंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पीएम मोदी के समारोह में शामिल होने के चलते सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। गृह सचिव समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बीजेपी नेता भी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का अपने स्तर पर जायजा ले रहे हैं। और जानकारी के लिए परेड ग्राउंड से जुड़ रहे हैं इंडिया 24/7 संवाददाता कुलदीप नेगी। इसी मैदान में कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। कुलदीप, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं वहां शपथ ग्रहण की? देखिए, जो तैयारियां हैं करीब करीब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी उन तैयारियों का जायजा लिया है। खुद जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौके पर पहुंचकर उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया है और कहीं ना कहीं और जो तैयारियां हैं आवश्यक चाहिए और जरूरी तैयारियां चाहिए उसके लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। इस वक्त हम उस होटल के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर कि बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। तकरीबन 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भाजपा आला कमान तय कर चुका है कि किस चेहरे पर वो उत्तराखंड में किस चेहरे को वो देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और विधानमंडल दल की जो बैठक होगी उसमें उस पर सहमति एक तरीके से बनाई जाएगी। ये तस्वीर, ये नज़ारा आपको उस होटल के बाहर का मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वहां पर जो चहलकदमी बढ़ चुकी है और बीजेपी के बहुत विधायक पहुंच भी चुके हैं और बहुतों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त बीजेपी के विधायक भरत चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, जो बैठक होगी कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर विधायक अपनी मोहर लगाने जा रहे हैं?
देखिए, अगर पहले से ये पता होता तो फिर बैठक की जरूरत नहीं पड़ती, और ये आला कमान ने जो भी तय किया है उस पर मुझे लगता है पूरा यकीन है कि आम सहमति उस पर बनेगी, और मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जो भी नाम तय किया है उसको मुख्यमंत्री के रूप में वो सबको स्वीकार्य होगा। देखिए, विधायकों का सीधे तौर से कहने कि भाजपा आला कमान ने जो भी नाम तय किया होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए वो उन्हें मंजूर होगा, और फिलहाल विधानमंडल दल की बैठक में ये पता चलेगा कि कौन वो नाम है। उनका सीधे तौर से कहना कि अभी फिलहाल कोई भी जानकारी उनके पास उस नाम को लेकर नहीं है। जाहिर सी बात है, जो तरीका है विधायक दल का नेता चुनने की वो औपचारिकता जरूर निभाई जाएगी, लेकिन बहुत कुछ पहले से तय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, जानकारी पहुंचाने के लिए।